हाय, आज हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ डीटी एंड डीसी इंटरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं डीटी क्या होता है। डीटी इज़ एन एंड इंस्ट्रूमेंट डेट कन्वर्ट्स यूज़र इन्फो इनटू सिग्नल्स और रिकन्वर्ट द रिसीव सिग्नल्स। डीटी क्या करता है कि आपके जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इसको बिट्स की फॉर्म में या सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या पहले से मौजूद सिग्नल जो होते हैं उनको दोबारा कन्वर्ट करता है। अब इधर डायग्राम में देख लें तो मेरे पास एक डीटी डिवाइस है इधर, और एक डीटी डिवाइस मेरी एकदम एंड में है। अब मुझे, मैं चाह रहा हूँ इधर से एक कोई सिग्नल भेजना यहाँ पे इस वाली डीटी में। तो ये डीटी क्या कैसे होगा कि यहाँ से ये सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे, यहाँ से वो गुजरेंगे डीसी से, डीसी में आपको आगे बताऊँगा क्या है, डीसी से गुजरेंगे, फिर डीसी से गुजर के ये किसी नेटवर्क किसी मीडियम से गुजरेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम से, उसके बाद दोबारा डीसी से गुजरेगा और फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पर दोबारा सिग्नल्स जो होंगे उसकी कन्वर्जन होगी और जो है सिग्नल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट है, डीटी जो है कम्युनिकेट करता है डीसीई से। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में भी कि ये डीटी जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है डीसीई से ही। ठीक है, ये मैं आगे आपको और बताऊंगा क्या होता है डीटी। अब तीसरा पॉइंट है, डीटी इज़ द डिवाइस वेयर द कम्युनिकेशन लाइन एंड। डीटी वो डिवाइस है जहाँ पर सारी कम्युनिकेशन हमारी एंड होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक सिग्नल चला था और यहाँ पर आगे रुक गया, तो यानी यहाँ पर कनेक्शन हमारा एंड हो गया, यानी कनेक्शन लाइन यहाँ पर हमारी एंड हो गई, तो यही बता रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं डीसीई क्या है। डीसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, यानी इसको हम डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे लाई करता है, डीटी और डाटा ट्रांसमिशन सर्किट के दरमियान में, यानी ये मेरे डीटी ही है और ये मेरा डाटा ट्रांसमिशन सर्किट है या कोई कम्युनिकेशन मीडियम है, तो उसके दरमियान ये लाई करता है। तो यहाँ पर आप डीसी देख सकते हैं, ये यूजली मोडेम होता है। अब मोडेम का आपको काम पता है कि क्या करता है, कि वो प्रोवाइड करता है हमें पाथ कम्युनिकेशन का। तो डीसी भी यहाँ पे यही करता है, जब सिग्नल इसको यहाँ से मिलते हैं तो एक पाथ डिसाइड करता है, पाथ बताता है कि किस पाथ पे आपको कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, और एक और काम जो डीसी करता है वो ये करता है कि एक क्लॉक जनरेट करता है, जिस क्लॉक जनरेट करता है, फिर उसी क्लॉक जनरेशन में जो क्लॉक रेट होता है उसके वो ये बताता है कि हमें किस क्लॉक रेट पर डेटा जो है हमें जो है वो रिसीव करना है या सेंड करना है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है डीसी की। मैंने आपको डीटीई भी बता दिया क्या है और डीसीई भी बता दिया क्या है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।